फ्रेंड्स नमस्ते दोस्तों, मिथाइलकोबालामिन विटामिन B12 का ही एक रूप है जिसे हम मेकोबालामिन नाम से भी जानते हैं और ये विटामिन B12 के सप्लीमेंट के रूप में कार्य करता है। मिथाइलकोबालामिन आपको इंजेक्शन फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में, साथ ही सिरप फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ मिथाइलकोबालामिन इंजेक्शन के बारे में सीखेंगे। केस की यूज लेकिन बीमारी को ठीक करने के लिए मिथाइलकोबालामिन इंजेक्शन प्रयोग लिया जाता है। इसका जो मुख्यतः प्रयोग है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, जिसे हम विटामिन B12 की कमी भी कहते हैं, जिसके कुछ लक्षण के बारे में हम जान लेते हैं। इसमें व्यक्ति की जो स्किन है येलो हो जाती है, स्किन पे आपको पिन प्रिक मतलब सुई चुभे जैसा फील होगा, साथ ही मुंह में छाले हो जाना, मुंह में सूजन आ जाना, कमजोरी सा फील होना, जी मचलाना, मूड अपसेट हो जाना, श्वास लेने में दिक्कत रहना, कई व्यक्तियों में धुंधला दिखने की शिकायत भी देखी गई है। ये कुछ इसके लक्षण होते हैं। इन सभी के ट्रीटमेंट में मिथाइलकोबालामिन इंजेक्शन बहुत ही उपयोगी है, बहुत डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी हो, जिसे हम सामान्य भाषा में खून की कमी कहते हैं, और जिसके जो लक्षण है वही है जो हमने विटामिन B12 के बारे में जाने थे, इसको भी ठीक करने के लिए मिथाइलकोबालामिन इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही पेरिफेरल न्यूरोपैथी नाम की बीमारी है, जिसमें व्यक्ति के हाथ और पाँव के जो नर्व से जो नसें डैमेज हो जाती है, व्यक्ति को पाँव में दर्द रहता है, इसके अलावा हाथ और पाँव में उसको सूनापन भी लग सकता है, इस स्थिति को ट्रीट करने के लिए भी मिथाइलकोबालामिन इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इन सभी के अलावा भी यदि किसी व्यक्ति को सामान्य रूप से भी कमजोरी महसूस हो, उसे चक्कर आए, मूड अपसेट हो, चिड़चिड़ापन से लगे, उसको भूख नहीं लगे, तो इन सभी कंडीशन में भी यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रयोग लिया जाता है। इस इंजेक्शन को किस तरह से लगाया जाता है, इसकी डोज क्या है? मिथाइलकोबालामिन इंजेक्शन IM तथा IV इंट्रामस्कुलर तथा इंट्राविनस दोनों ही रूट से लगाया जा सकता है, लेकिन जब इसको इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है तो आपको एक दो बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना होता है। जब आपको ये इंजेक्शन लगे तो जिस जगह पे आपको इंजेक्शन लगाए वहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए मसाज करनी चाहिए, और इसके अलावा जब भी आपको एक से ज़्यादा इंजेक्शन लगे तो प्रत्येक बार जो इंजेक्शन की साइट है उसको चेंज करते रहें, जिससे कि आपको वहाँ पे गांठ नहीं बने और दर्द का सामना नहीं करना पड़े। यह इंजेक्शन जो है आपको बच्चों को, बड़ों को, स्त्री पुरुष या बुजुर्ग सभी में प्रयोग लिया जाता है। जैसा कि आपको पता है यह जो इंजेक्शन है आपको 500 माइक्रोग्राम, 1000 माइक्रोग्राम तथा 1500 माइक्रोग्राम की अलग अलग पैकिंग मिलता है, लेकिन जब इस इंजेक्शन को डोज की बात करते हैं तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, डिजीज टू डिजीज वेरी करता है कितनी मात्रा में उसको लगाया जाता है। लेकिन जो कॉमन रिकमेंडेड डोज है उसके बारे में आपको बता दूँ, इसमें 1 ml जो 500 माइक्रोग्राम का इंजेक्शन रहता है वो प्रतिदिन व्यक्ति को लगाया जाता है, कई बार हफ्ते में 3 बार भी उसको लगाया जाता है, और सामान्यतः 5 जो इंजेक्शन होते हैं इसके सफिशियंट रहते हैं पेशेंट के लिए, लेकिन कई बार बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने पर इसको 2 महीने तक भी डिवाइडेड डोज में अलग अलग लगाया जा सकता है। और यदि कोई पेशेंट है जो सीवियर एनीमिक है, मतलब खून की बहुत ही ज़्यादा कमी है, तो उसे 1 महीने या 2 महीने के बाद में ये सेम इंजेक्शन रिपीट भी किया जा सकता है। जब इस इंजेक्शन को IV इंट्रावीनस रूट से लगाते हैं तो कई बार इसको फ्लूइड में डाइल्यूट करके भी लगा सकते हैं।